अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग शुरू करते हैं लगे बाबरकत नाम से। मैं इस वक्त जा रहा हूँ पाकिस्तानी इवेंट पर और ये इवेंट एक धमाकेदार इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो वाहिद इवेंट है कुवैत का जहाँ पर पहली बार पाकिस्तान से पश्तो सिंगर आ रहे हैं। ये एक सरप्राइज है। अब मेरे साथ रही है स्टेट ट्यून विद मी, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक बहुत ही मानी जानी शख्सियत कुवैत की, मुझे कॉल भी आ रही है, कॉल बाद में सुनते हैं, पहले बात करते हैं रिजवान भाई से। रिजवान भाई, वेलकम टू द पार्टी, वेलकम टू द शो, कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अपने अंदाज का एक मुनफरिद शो है कुवैत में। पहली बार हमारे चारों सूबों के लैंग्वेजेस होने जा रही है, गाने होंगे पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, सारी जुबान। मेरे ख्याल से उर्दू नहीं है इस बार, उर्दू नहीं लेकिन बहुत मजा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए। स्टे ट्यून। हम आपको ध्यान से चलाएगी गाड़ी, ध्यान से, जोश में, होश में होश ना खो दीजिएगा। कितनी काल है देखे, अब शो के करीब करीब ना काल भी आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस वक्त ये डेट है जी 18 अगस्त और मौसम देखिए कितना प्यारा है। कभी नहीं हुआ पाकिस्तानी नॉट पाकिस्तानी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो शो स्टार्ट होने वाला है और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पश्तो शो जो है वो यहाँ पर, एक्चुअली मोस्टली पश्तो सिंगर जो है उनको बुलाया गया है। पहले यहाँ पर पाकिस्तानी उर्दू आते थे या सरायकी पंजाबी। मौजूद हैं हाल के अंदर और हाल के अंदर मुझे रिजवान भी दोबारा फिर मिल गए हैं, यानी एक्चुअली मेरे साथ ही साथ में बैठे हैं और ये हमारे साथ इस वक्त दूसरे बाग दूसरा पीछे देख रहे हैं। हाल आहिस्ता आहिस्ता फुल हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वक्त के साथ साथ हॉल भर जाएगा खचाखच और फिर आपको हम भी नजर आएंगे। हम नजर नहीं आएंगे, शायद हम नजर नहीं आएंगे बैक कैमरे से वीडियो बने। चलो सही, इस वक्त मेरे साथ रऊफ मेरी जान, इनको मैंने, ये वो शख्सियत जो पाकिस्तानी इवेंट में आपको हर जगह नजर आएंगे। रोह मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले रेडबुल सीधी फाड़ लो, रेडबुल सीधी पकड़ लीजिए। अच्छा अच्छा, आज मुझे यकीन हुआ कि इनकी रेडबुल जो है ना ये फुल रहती है, खाली नहीं होती इनका जो है ना ये रेडबुल का कैन। रोह मेरी जान, की हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रोह मेरी जान, पहले तो मुबारक हुए, बड़ा आईसीसी जी ट्रॉफी आई सी, उससे तू दूसरी बाल पे हिट किया सी। जी दूसरी बाल पे हिट किया था। मिलिया की सी तनु इनाम मेरी जान? लेकिन मुझे पता नहीं वो गिफ्ट क्या था उसमें मेरी। अच्छा, इनको इनाम मिला लेकिन इनको पता नहीं कि वो इनाम क्या था, ये भी सरप्राइज है। चलो नेक्स्ट टाइम जो ट्रॉफी आएगी ना फिर आपको बताएंगे क्या है। इंशाल्लाह मेरी जान। तो मेरी जान, तुसी इवेंट ते आए हो, की फील कर रहे हो? माशाल्लाह जी बहुत खुशी फील कर रहा है मेरी जान। माशाल्लाह जी काफी कम्युनिटी पाकिस्तान दी, माशाल्लाह जी बहुत मजा आ रहा है पाकिस्तानी वहां पब्लिक देख के मेरी जान। अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तानी परचे माशाल्लाह सब देख रहे। माशाल्लाह शो शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है और माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो जोक दर जोक आ रही है, सीटें फुल होना शुरू हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज भी ये शो जैम पैक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, क्या नाम है आपका? अब्दुल मलिक। क्या करते हैं कुवैत में? इधर हार्डवेयर का शॉप है। हार्डवेयर? हाँ, कल मैं तो इसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं कल शाम को ही आया वफरा से, मैं अभी भी आया रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं वफरा से भी आया। वफरा से देखें जी, वफरा से ये मैदान हवेली में शो देखने के लिए आए हैं और ये वफरा ऑलमोस्ट यहाँ से कितनी दूर बनता है? तकरीबन मेरे ख्याल में 117-118 किलोमीटर तकरीबन होगा। 117-118 किलोमीटर पाकिस्तान में कोई भी शख्स शो देखने नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की मोहब्बत, इन फनकारों की मोहब्बत आपको ले आई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सर आप इनके साथ हैं? जी वफरा से आए हैं। जी वफरा से आए हैं। वफरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफराद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई, बैठे रहें जी, मैं आपके साथ बैठ देता हूँ। ठीक है बैठो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कुवैत में कितने अरसे से हैं? मैं तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल माशाल्लाह जी, एक उम्र का हिस्सा। कितने इवेंट अटेंड किए हैं कुवैत में? ये तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं पता चलता जरूर आते हैं, कहीं कोई भी प्रोग्राम पता चल जाएगा ना जरूर आते हैं। माशाल्लाह अपना दोस्त असलम भाई सराकी साहब। अच्छा अच्छा, वो बार बार जो जहाँ भी प्रोग्राम हो वो बताते रहते। तो ये आज तो ये पश्तो ज्यादातर गाने होंगे तो क्या समझ आएगी? हम लोग का ये है जो अपना पाकिस्तानी परचों में पाकिस्तानी का पाकिस्तान का आजाद पाकिस्तान का परचम उसकी वजह से। वेरी गुड सर, मैं हवेली तो आया। सर खड़े हो सकते हो, थोड़ा चेहरा मुबारक सामने आए झंडे के नाल नाल। ठीक है, हवेली तुसी तो नेड़े हो आए हो फिर? जी बिल्कुल सर, लेकिन नेड़े होए या दूर होए सानू पाकिस्तान दी मोहब्बत खिच मोहब्बत खिच ले आई है। कहना अगर तुहानू समझ ना आए इत्थे मेरे को पठान पाई बैठे ने, ट्रांसलेट करवा सकदे हो? साडे दोस्त है ने पठान। अच्छा, हां जी, कोई एक गाना पाकिस्तानी गुनगुनाओ जरा। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पिछे भी गल करके आ रहे थे कि पश्तो एक्चुअली शो है गया, तो तुम्हें ये जबान समझ आएगी? कोई ऐसा मसला नहीं, जबान समझ ना आया ना आया, लेकिन हमारा कल्चर पे है। जबान समझ ना आए लेकिन साडा कल्चर है, ये मेन चीज है। जज्बा कल्चर ऐसे ऐसे वास्ते इन्होंने पूरा खराज तहसीन पेश करांगे। वाह जी वाह, क्यों ने सानू बड़ा अच्छा लगा। इतना जरूरी तो नहीं कि पंजाबी या
पठान या पश्तो या सब भाई हैं असी, वो एक अलग गल है कि असी अपनी जबान दे विच बैठे पे। बिल्कुल जरूरी नहीं है ये कौन सी भी जबान हो, मेन चीज़ है पाकिस्तानी जज्बा, पाकिस्तानी जो है वो हमें खींच लाती है। बहुत शुक्रिया सर जी। हमें यहाँ पर गुजरते गुजरते हमें उस्मान भाई मिले हैं। उस्मान भाई एक्चुअली यहाँ बैठे हुए थे, हमने कहा हमें उठ के हम इंटरव्यू दीजिए क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है। उस्मान भाई जी, एक ही सवाल मैं सारे पूछना, ये शो है पश्तो जबान जी, तो अपने को ट्रांसलेटर लैके आए हो? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला सारी समझ लग जाएगी। पाकिस्तान का शो पे ठीक है, सानू किसी जबान की जरूरत नहीं है कि सारे सारे जश्न आजादी पे, तो इंशाल्लाह ताला इंजॉय करांगे। तुसी गाना सुनाया पहाड़ों की कसम? हाँ हाँ, एक सिंगर ने जिन्होंने गाना गाया पहाड़ों की कसम। अच्छा, तुम चले आओ पहाड़ों की, गाना तुम्हें आता थोड़ा जहा गुनगुनाओ जरा। पहाड़ों की कसम तुम चले आओ, यह तो तुम पढ़ रहे हो ना, जी। इस वक्त मैं बिल्कुल स्टेज के पास हूँ माशाल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्टेज उन्होंने सजाया है, बहुत ही प्यारा स्टेज इस वक्त सजा है। और माशाल्लाह देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जांजीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इवेंट के बारे में माशाल्लाह देखें हाल भरना शुरू हो गया। अच्छा, और आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं माशाल्लाह कि पाकिस्तानी तो जो भी प्रोग्राम होता है वो नेशनल नाम से होता है, नेशनल नाम से होता है, तो वो हर वक्त दाम है धरने हर चीज़ पर वो। अच्छा, मैंने ना इधर से मैंने पूछा, वो बोलते हैं ज़्यादातर पंजाबी है, मैंने कहा यार आपको क्या समझ आया, कहते हैं ये पाकिस्तानी प्यार है जो हमें यहाँ ले आया है। लेकिन प्रोग्राम एक्चुअली पाकिस्तान का है। राइट राइट राइट, तो पाकिस्तान में ये तो नहीं है भाई। हाँ, वो जो सिंगर है ना वो ऐसे सिंगर है कि वो उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, पश्तो भी बोल सकते हैं, तो जाहिर बात है इंशाल्लाह पश्तो पश्तूनों का ये पहला प्रोग्राम है। सही, और आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम रहेगा, कौमी जज्बा उसमें होगा, उसमें जो सरसारे तकरीबात है उसकी सबसे बस्ती भी बात होगी, और कौमी अलाकाई और सकाफती इंशाल्लाह नगमे होंगे। अच्छा, अगर हमें समझना है तो आप ट्रांसलेट करेंगे? मैं आपको बता दूँ, शेरों के लिए और मौसीकी के लिए कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। राइट राइट राइट, पंजाबी की मौसीकी चल रही होती है तो हम खुद भी बंगला लगे बनाते हैं, इसलिए इंशाल्लाह ये जब ये होगा सबको समझ आएगी। और भाई शायरी की कितनी बड़ी अहमियत है, सही कह रहे हैं। खालिद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, हमारे बड़े पाकिस्तानी इवेंट अटेंड किए हैं और बड़ी उनकी कवरेज की है, ये पश्तो का पहला इवेंट है कि इससे पहले भी हुए हैं? पहले इससे हो चुके हैं लेकिन हमारी इसमें शमूलियत नहीं थी, और ये फर्स्ट टाइम इतने हाई परफॉर्म पे इतने हाई लेवल फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले कोई नहीं पश्तो का प्रोग्राम हुआ। तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा ऑर्गेनाइजर मिस्टर शमशाद नौली को और उनकी पूरी टीम को, तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम चारों सूबे हमारे हैं, चारों सूबे हमारे पाकिस्तानी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, yes, yes. हम सब हम एक हैं, और इस परचम के तले साए तले हम एक हैं, और हम एक हैं, एक रहेंगे। पश्तो तो कोई गाना तो आंदा है, दो बोल आएंगे, दो बोल, दो बोल। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, कुर्बानी तो उर्दू है या, वो आता है हवा में पश्तो, नीम पश्तो आती है। अच्छा, नीम पश्तो बोल, चलो हाँ जी। हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मल बनता हवा में उड़ता जाए, ये कौन सी पश्तो हुई समझ नहीं आई नाटी पश्तो का कोई सॉन्ग नहीं आता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कुवैत में कुवैत आ चुके हैं, शो में आ चुके हैं हमारे मेहमान खुशी, आज के उनका इस्तकबाल आप देख सकते हैं आपके कैमरे की स्क्रीन के सामने। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हमारे साथ मतीउल्लाह खान साहब मौजूद है। मतीउल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलाम। मतीउल्लाह भाई, आप तो पश्तो अच्छी तरह समझते हैं, तो जहाँ हमारे पंजाबी भाई उनको ट्रांसलेट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। कितने इवेंट अटेंड किए हैं कुवैत में आपने? मैंने तो बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, और ये जो स्पेशली 70% जो है वो पश्तो जुबान में है। बिल्कुल, ये तो जो जिसने अरेंज किया है पश्तो जुबान के मोस्ट ऑफ द लोग है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्रोग्राम है, इसमें जुबान और इलाके और सूबे के शर्त नहीं है, पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रोग्राम है, पाकिस्तान के हर सूबे हर ज़िले हर इलाके के लोग इसमें शामिल हैं। पश्तो में दो बोल हो जाए,
आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं मुझे पता है। टोलो पख्तनोता और टोलो पाकिस्तान सुर में, सुर में नहीं नहीं सुर में जे अल्लाह ताला दे जमीन को मल के और जमीन को वतन के टोलो पख्तनवा के और टोलो पाकिस्तान के अमन रावली। इसका मतलब क्या है? सारे पाकिस्तान के लिए और सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, खासकर पख्तूनिस्तान के लिए हमारे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन लेकर आए। ये किधर जा रहा है? ये एक मिनट, किधर जा रहा है? मीडिया। क्यों क्यों आप किधर जा रहे हैं? मीडिया मीडिया। अच्छा, आज आज ये हमने रिजवान भाई को पकड़ा है और ये भागते भागते जो आगे आ रहे थे। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, बिजी हूँ बहुत, आपने मेरे से टाइम मांगा। क्या बिजी आप? क्या मैं शो होस्ट कर रहे हैं? शो होस्ट आप कर रहे हैं? यस। वहाँ तस्वीर तो शान भाई की लगी हुई है। नहीं, मैंने उधर से होस्ट करना है पीछे। अच्छा, मैं रिजवान भाई बैक साइडर होस्ट हूं, पर्दे के पीछे से होस्ट करूंगा। आपने पाकिस्तानी इवेंट बहुत कम अटेंड किए हैं, राइट? दूसरा तीसरा कर रहा हूँ। लेकिन ये तो पश्तो में है, आप क्या समझ आएंगे? मैं गूगल ट्रांसलेट नाल ऑन कराऊंगा। अच्छा, प्ले कराऊंगा उन्हें। क्या फील कर रहे हैं अभी? जब आप आए थे उस वक्त हाल कहाँ था और अभी देखें आप? अभी पहले तो खाली था, अभी यकीन करें अमेजिंग क्राउड और इतने पाकिस्तानी इतने कम अरसे में जमा हो जाएंगे यहाँ पर। ये सिक्योरिटी भाई ने आपको टफ टाइम तो नहीं दिया? नहीं नहीं, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। इनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, इनको प्रमोट करूंगा, इनकी सिक्योरिटीनेस को। सिक्योरिटीनेस को। अच्छा, इंतजाम को कहाँ देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और एक मीडिया के लिए अलग जगह है, सिक्योरिटी की अलग जगह है, वॉलंटियर्स अपना काम बराबर कर रहे हैं। सही है, आप देख सकते हैं। तो आप भी कवरेज कर रहे हैं? ये एक्चुअली मेरे बेसिकली कैमरामैन, कैमरा फड़ लो, आ जाओ, मैग ले लो, बंद कर दे। चलिए, यहाँ से अगर हम खड़े हों बिल्कुल हाल के एंड में, तो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं इस वक्त। रिजवान भाई यहाँ पर खड़े होकर माशाल्लाह आपको ज़बरदस्त व्यू आएगा। दो पाकिस्तानी पर्चे राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पर, क्या बात है। और आप देख, राह चलते चलते हमें एक टिकटॉकर मिल गया और ये जहाँ जाएँ वहाँ ही वीडियो बनाते हैं, चाहे ये सियालकोट में हो, चाहे ये पतुगी में हो, चाहे ये कुवैत में हो, वहाँ पर इनकी वीडियो जो है वो चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है सर? क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, शुक्रिया। शो में क्या फील कर रहे हैं? शो में इंशाल्लाह अभी आए हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे। हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज है, हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज से हमें प्यार होना चाहिए, हमारी मुख्तलिफ ज़बानें हमें पता होना चाहिए इस बारे में। सही है, तो इसलिए हम आए, इंजॉय करेंगे शो वगैरह। ये आपके जितने दोस्त आए हैं इसमें पश्तो समझता कोई? जी, ये पठान है। ये पठान है जी, तो इसका मतलब आप ट्रांसलेटर आए इनके साथ। ये इनके दोस्तों में एक बंदा पठान है और वो हमें मिला है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम बेटा आपका? कदीर खान। कदीर खान, कदीर खान, ये आपको बेसिकली अपने साथ ट्रांसलेटर लेके आए, राइट? पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अहमद। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये छोटा सा पाकिस्तानी और अपने हाथ में परचम ऐसे रखो, क्या बात है। अहमद, क्या देखने आए हो आज? शो शो में क्या गाने सुनने आए हो? शो वालों को देखने आए हो? गाने सुनने आए हो? आपको कोई गाना आता है जो हमें गुनगुना के सुनाएंगे? कोई तो आता होगा? नहीं नहीं, मुझे बताया उसने अब्दुल रहमान ने, तुम पाकिस्तान, वो बताया उन्होंने जीवी जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा गाते हो। पाकिस्तान।